Hello dear students, now we have moved in a new videos and in this videos we will learn some new topic with new ideas and new concepts. Got it? Hi. Hello everyone, my name is Eras and how are you? मेरा नाम एरज है और कैसे हैं आप सब? I hope कि आप अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे, खुश मिजाज होंगे. Today the name of the topic is the mirror. Mirror. This is the name of the topic. If someone may ask you what is mirror or tell me the definitions of mirror, then what will you say? कोई पूछता है कि mirror होता क्या है, इसका definition बताओ. कई कई लड़के को कुछ आता होगा, but कुछ कुछ ऐसे भी लड़के होंगे जो पहली बार शायद देख रहे होंगे, वो जानना चाहता होगा कि mirror आखिरकार है क्या, इसका definition क्या होगा. Mirror तो बहुत देखते हो, daily देखते हो, बाल झाड़ने के लिए, चेहरा फेस को देखने के लिए, और ये बहुत सारे कामों में मिरर का इस्तेमाल होता है. समझ गया ना? बट मैं यूजेज ऑफ मिरर की बातें नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि मिरर कहें किसे, इसका डेफिनेशन बताओ. तो तुम इससे कहना कि मिरर क्या है? तो मिरर इज ए टाइप ऑफ सब्सटेंस हुज वन साइड इज पॉलिश्ड एंड द अनदर साइड इज द शाइनिंग सर्फेसेस और द रिफ्लेक्टेड सर्फेसेस और रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस. देन दिस टाइप ऑफ द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज द मिरर. मैंने अभी भी बोला है कि मिरर क्या है, तो मैंने कहा कि मिरर एक प्रकार का सब्सटेंस है. लेकिन कैसा सब्सटेंस है? ये भी एक प्रकार का सब्सटेंस है, इसको भी मिरर बोल देंगे? नहीं. तो उसके लिए खास वजह बताया गया कि वो ऐसा सब्सटेंस है उसका एक साइड पॉलिश्ड होना चाहिए. ठीक है, पॉलिशिंग कैसा रहेगा भाई? तो सिल्वर का कोटिंग चढ़ाया हुआ रहेगा या फिर कोई भी मेटल्स का कोटिंग चढ़ाया हुआ रहेगा. ज़्यादातर महंगे कॉस्टली मिरर अगर लीजिएगा तो उसमें सिल्वरिंग कोटिंग किया हुआ रहता है. समझ गया ना? और दूसरा साइड कैसा रहेगा? तो शाइनिंग रहेगा, चमकीला रहेगा या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा. समझ गया? तो इस ऐसा सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? मिरर का नाम देते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मिरर होता क्या है? अब इसका डेफिनेशन को लिखा जाए तो देखिए, नाउ वी स्टार्ट्स राइटिंग. लिखना कि इट इज ए टाइप ऑफ सब्सटेंस हुज वन साइड इज पॉलिश्ड एंड द अनदर साइड इज शाइनिंग या फिर बोल सकते हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन तब क्या कहेंगे? देन दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड तब हम लोग इस तरह का सब्सटेंसेस को मिरर का नाम देते हैं. मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखाया है, देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने जो लिखा है उसे फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सिंपल सी तो बात है. जैसा देखिए, मैंने लिखा है कि मिरर एक प्रकार का सब्सटेंस है. मैंने एक सब्सटेंस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसका एक साइड पॉलिश कर दिया. क्या कर रहा हूँ? ये पॉलिशिंग कर रहा हूँ एक साइड. ठीक है, कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कर दिया पॉलिशिंग, जितना मर्जी उतना कर लो. च
चलिए ये पॉलिशिंग हो गया मिरर में। अब इस साइड तो पॉलिश्ड हो गया, ये साइड जो है वो पॉलिश्ड हो गया, ठीक है। लेकिन इस तरफ क्या है भाई, तो शाइनिंग है, शाइनिंग है, ठीक है ना। एंड इतना ही नहीं बल्कि स्मूथ भी होगा। स्मूथ का अर्थ हुआ चिकना होगा, ठीक है। और तो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी इधर ही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी इस साइड ही है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग मिरर कहे। सिल्वरी कोटिंग हो सकता है, पॉलिश्ड किस चीज का रहेगा, तो सिल्वरी कोटिंग यानी कि सिल्वर के साथ कुछ और मिला दिया जा सकता है, समझ गया ना, या फिर एलॉयज वगैरह का भी रहता है। तो इसी चीज को मिरर का नाम देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। आप कोई पूछता है कि मिरर क्या होता है, तो मुझे नहीं लगता कि जो भी इसको देखा होगा उसे बोलने में असमर्थ है और वो नहीं कह सकता कि मिरर होता क्या है। आई थिंक ये आप बता सकते हैं कि मिरर क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो बोलेगा अभी नहीं ना, हो ही नहीं सकता, हमको पता ना है। चलो अच्छी बात है आपने लिखा इसे। सो फिर से मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बस स्टे कनेक्टेड एंड देन लव यू ऑल, टेक केयर।